माशाल्लाह अभी हज भी स्पॉन्सर कर दिया सऊदी गवर्नमेंट ने, माशाल्लाह वीआईपी हज क्लास मिलेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह मक्का में पहुंच गए, सऊदी अरेबिया में 13th रमजान को पहुंचे थे। बहुत लंबा सफर तय करके माशाल्लाह अल्लाह ने इनको हिम्मत दिया, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करके बहुत लंबा सफ़र तकरीबन 1 साल से भी ऊपर वक्त गुजार के रास्ते में सारी तमाम परेशानियों को झेल कर अल्लाह ने इनका सफ़र पूरा कर दिया। और सऊदी अरेबिया की बॉर्डर में 13 रमज़ान को इन्होंने कदम रखा था, माशाल्लाह फिर मदीना पहुँचे। मदीना में तकरीबन 10 दिन का सफ़र तय करके आज 2 दिन का पहले मक्का पहुँच गए थे। आज हमारी खुशनसीबी है, हम लोगों के साथ सियाब भाई हैं, हम लोगों ने इनसे बहुत देर तक बातें की जिसमें इन्होंने अपने रास्ते की मुश्किलात के बारे में हमें बताया, कहाँ कहाँ क्या क्या था। बहुत ही रोमांचक सफ़र था इनका और माशाल्लाह अल्लाह ने इनको हिम्मत भी बहुत दिया था, जो ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल मतलब नामुमकिन है सफ़र, लेकिन अल्लाह ने इनका पूरा कराया। वीज़ा की मुश्किलें, सफ़र की मुश्किलें, सर्दी गर्मी बारिश जैसा स्पेशली इन्होंने बताया ईरान के बारे में, ईरान में घुटनों तक बर्फ थी, उसमें चल पाते थे दिन में 8 किलोमीटर या उससे भी कम, तो 8 किलोमीटर पर दिन चल पाते थे। कभी कभी इन्होंने मैक्सिमम 65 किलोमीटर भी चले हैं रमज़ान में, रोज़े की हालत में। अल्लाह ने इनको हिम्मत दिया, अल्लाह से ये काम लेना था इनको, तो माशाल्लाह सियाब भाई पहुँचे एकदम सेहत याब, एकदम सही सलामत हमारे पास पहुँचे। आज हमारे साथ खाना खाया और बहुत सारी बातें की हमारे साथ बैठ के, जो पाकिस्तान में इनका वक्त गुजरा 4 महीने का बॉर्डर पे, वाघा बॉर्डर पे, उसकी भी तफासिल इनको दी। उसके बाद में ईरान, ईरान के बाद में इराक और फिर सऊदी अरेबिया। ऐसे माशाल्लाह अल्लाह ने इनका पूरा सफ़र पूरे वक्त से सही पूरा करवा दिया। इंशाल्लाह ये अपना हज भी मुकम्मल कर लेंगे आइंदा दिनों में। और बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी है, मतलब एक जैसा अगर कोई दूसरा आदमी होता तो शायद ऐसा बिहेवियर हो जाता उसका, सेलिब्रिटी जैसा नहीं लेकिन बहुत खामोशी से माशाल्लाह किसी को भी, अगर ये चाहते तो आज कितने लोग इनको देखने के लिए मिलने के लिए आते थे, लेकिन बहुत एकदम छुपा के अपने को, एकदम डाउन टू अर्थ, हिडन छुपा छुपा के ऐसे। माशाल्लाह नेचर भी बहुत शाही है इनका, शर्मीले किस्म के आदमी भी हैं, तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत आसानी से सफ़र करवा दिया। और भी आगे वीडियोस में आपने देखे होंगे इनके अपलोड किए जो, और इंशाल्लाह आगे भी ब्लॉग बनते रहेंगे और आगे भी इनके पूरे जो मामलात रहेंगे, जो हालात रहेंगे वो सारे आते रहेंगे। आप लोग भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। भाई बताइए, क्या भाई आप इंडिया से अपने घर से कभी निकले थे, कौन सा डेट में निकले वहाँ से? 2022 जून से कहना, 2 जून को निकले थे, एक साल 17 डेज, वन ईयर एंड 17 डेज। माशाल्लाह, ऐसा अचानक आपका प्लान बना था कुछ पहले से इसको गिरा था बनाया था पहले था? हां, जैसे से पूरा प्री प्लान हो, मैंने कम से कम 1.5 साल पहले बनाया प्लान थे। लोग सोचते मैं एक दिन शिहाब भाई के लास्ट जस्ट माइंड में आ गया और जस्ट निकल जाएगा इसलिए, लेकिन उससे पीछे बहुत बहुत टाइम दिल्ली में स्टे किया, रमजान में भी स्टे किया, बहुत एफर्ट लोगों को वो मालूम नहीं है, वो नहीं है, वो जस्ट जो जस्ट एक फ्रेंड में वो फोकस है बस। नहीं, अभी लड़के लोग बहुत निकल रहे हैं आपके पीछे पीछे, लेकिन वो आप यहाँ तक नहीं पहुँचने के लिए बहुत प्लान चाहिए, उसके लिए पूरा प्लान करना पड़ेगा। आप 8 साल वर्क किए ना उसके लिए, तो मेरे को भी हिंदी कम में, मेरे भी नहीं, अभी भी नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो 4 महीना में उधर जुनैद भाई का साथ आपके स्कूल में रखा, वो टाइम ज़्यादा ट्रैक किया, इंग्लिश हिंदी सब लैंग्वेज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, पूरा इंडिया पाकिस्तान ईरान सब बहुत बहुत हेल्प किया, कुवैत में लोग
मुझे कुछ नहीं बता सकते, लेकिन अभी जैसा थैंक्स का क्या बोल नहीं बोल सकते कुछ नहीं, अभी जैसा बता रहे थे ना नहीं होता उसके लिए, लेकिन जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी भी क्या प्रॉब्लम है, अभी भी क्या प्रॉब्लम है, हिंदी ज्यादा नहीं आता है, लोग सोचते क्यों शिहाब भाई अपने से बात नहीं करता है, लेकिन उधर पहुंच जाओ उसका काम हो गया, हम इतना हेल्प किया लेकिन क्यों इतना नहीं, माशाल्लाह पब्लिक की पॉजिटिविटी है आपके लिए पूरा जो कमेंट्स किया, अल्लाह का शुक्र है हमारा नियत, लेकिन अभी इधर मैं पहले डिसाइड किया मदीना में पहुँच जाओ हरम में मस्जिद नबवी में मक्कतुल हरम मस्जिद हरम पहुँचने का, अभी कुछ अपडेट मेरा दिल दूसरा तरफ नहीं गए, इसमें इबादत का टाइम है, हज का टाइम है, वो वे यानी एक साल का जर्नी वो दूसरा टाइम, अभी इधर पहुंच जाए लेकिन लाजिम अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए एक एक सेकंड किया मेरे को भी हिंदी नहीं आता है, इसलिए लोग पूछते हिंदी में अपडेशन दे दो नहीं, अब तो माशाल्लाह आप पूरा रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो, अब तो बहुत परफेक्ट हो गया हिंदी आपका, नहीं अभी अच्छा है माशाल्लाह बहुत अच्छा हिंदी है, बहुत अच्छा बात करते हैं माशाल्लाह, मक्का में अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन हो गया हमें मक्का पहुँचा, उमरा भी हो गया, इहराम में मदीना से इहराम में आया, 10 दिन का सफर है उधर से, 30 तारीख आया इधर पहुँचा अल्हम्दुलिल्लाह, उमरा भी हो गया, उमरा तो कबल हो इंशाल्लाह सबको, ज़्यादा आदमी लोग हज के लिए इंडिया से पूरा वर्ल्ड हज के लिए मक्का में है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हम लोगों के लिए तो आप बहुत स्पेशल है, मैं बोल सब पूछने का टाइम है क्या बोला, इतना लोग इतना हाफ़ी है मेरी तरफ, वो मेरा दिल में कितना हाफ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। सियार भाई एक सवाल है, वो आपका पैसा कितना खर्च हुआ पूरा प्लानिंग में अभी तक? पहले मैं 10 लाख रुपया रेडी किया, पेपर वर्क वीज़ा हज एंड फैमिली के लिए करने के लिए पहले भी डिसाइड, अच्छा ये सबको कैलकुलेट 10 लाख रुपये का प्लान बजट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है इंडिया में कुछ 1 रुपया का खर्चा नहीं है, लोग इतना दिल से लोग मैंने लेके आए पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट किया लोग किया बहुत सपोर्ट किया, किधर भी अल्लाह का दुनिया में किधर भी जाने का टाइम हमको एक खाने के लिए सोने के लिए प्रॉब्लम मिलेगा, मदद मिलेगा ज़रूर बिल्कुल मिलेगा, लेकिन हमारा नीयत नीयत साफ है सब कुछ हो जाएगा, नीयत कुछ ख़राब है मैं एक बार भी मेरे पैर में एक प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बगदाद में आया 3 दिन में थोड़ा बीमार हूँ, बगदाद क्लाइमेट चेंज हो जाता है, क्लाइमेट का मसला नहीं है उधर भी स्टे है ना, हमारा दिल से इबादत में वो थोड़ा काम है, वो दूसरे बार मैं मदीना में पहुँचा वो टाइम भी मैं थोड़ा आपका नियत बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नियत से आप निकाला घर से और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बहुत हेल्प किया, अभी लोगों को भी मैं क्या बोलने के लिए कोशिश करते लेकिन अभी इधर पहुंचा मैं चेंज है लेकिन अल्लाह के लिए अभी टाइम नहीं है, इतना लंबा सफ़र करके आया इधर लाजिम इबादत का टाइम ज़्यादा मैक्सिमम टाइम आप टाइम इबादत के लिए, वो भी लोग भी नहीं सम कुछ पीपल नहीं समझता नहीं है, नमाज का टाइम भी उसको सेल्फी के लिए आने की बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ये बात का ख्याल रखो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, मत लो नमाज के दौरान या नमाज के मस्जिद का अंदर पुलिस का सामने हम लोगों की सबकी इबादत खराब होती है ना, नमाज पढ़ने के लिए एक्चुअली तो हरम का अंदर में तो ये फोटोज वोटो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करने वो अच्छा है, हरम का बाद फ्री टाइम है ना, फ्री टाइम है कुछ ओके कर सकते हैं, लेकिन हरम का मेरे तरफ नहीं है, मेरे को सबूर है अल्हम्दुलिल्लाह सबूर है, लेकिन लोग हमारे मुल्क में इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान सब नहीं है, उनको पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं मालूम है ना, इधर सऊदी का गवर्नमेंट एंड सऊदी का कानून अलग है बिल्कुल, इधर ऐसा हरम का अंदर कुछ लोग नेगेटिव के बात नहीं कर सकते, नेगेटिव मैसेज भी नेगेटिव हो जाता है ना,
मेरा हज को भी प्रॉब्लम आएगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी गवर्नमेंट मेरे को पूरा सपोर्ट करता है, सऊदी गवर्नमेंट वो पैसा भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, वो ये अल्लाह का गिफ्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। लेकिन माशाल्लाह अभी हज भी स्पॉन्सर कर दिया सऊदी गवर्नमेंट ने, माशाल्लाह वीआईपी हज ए क्लास मिलेगा इंशाल्लाह। अभी जितना भी हाजी है सपोज 3 मिलियन 4 मिलियन उसमें एक हमारा सियाब भाई अकेला ऐसा आदमी है जो पूरा सफर पैदल किया बिना किसी गाड़ी के किया। और एक बात भी बोलने के लिए, लेकिन केरला कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान पंजाब बाद में 4 महीना उधर वो 7 स्टेट में तो इतना खाना सपोर्ट दिल से साथ में पूरा पब्लिक उधर से वॉक कर रहा था ना वो खाना दिया पुलिस एक है कि सोने के लिए रास्ता दिया उसको भी बहुत दिल से मैं दुआ करते हैं। पहली बार देखने का टाइम मेरा काम क्या है मेरे लिए मैं ज़्यादा दुआ नहीं करते लेकिन मेरे को इबादत का टाइम वो भी चलेगा लेकिन काबा पहले सामने देखने का टाइम लोगों को बहुत उम्मत के लिए बहुत वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन इतना मोहब्बत इतना खाना दिया रास्ता अच्छा रास्ता दिया गवर्नमेंट सपोर्ट पुलिस सपोर्ट एवरीथिंग मिलिट्री लोग किधर भी जाने का टाइम मेरे को बहुत सपोर्ट किया ईरान गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडियन इंडिया का गवर्नमेंट इंडिया का पुलिस इंडियन पुलिस। शिहाब भाई का बोलने का मतलब ये है कि उनको थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम, वो दिल से थैंकफुल है पूरा इंडिया का पब्लिक पाकिस्तान का पब्लिक या ईरान का पब्लिक उनको जो भी सपोर्ट किया उसके लिए दिल से इवन इनको है वो दिल से सबको थैंकफुल थैंक्स और उसके लिए वर्ड्स नहीं आ रहा उनको कि वो कैसा थैंक बोलेगा आप सबको। सो उनका दिल से यही दुआ है कि आप सबके लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन फ्यूचर आने वाला दिन में भी सब अच्छा ही होएगा इंशाल्लाह। आप सब भी शिहाब भाई के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको हज में आसानी करे, माशाल्लाह इतना लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे, अल्लाह ताला ने उनको बहुत हिम्मत दिया बहुत सब्र दिया इतना क्लाइमेट्स और इतना स्ट्रगल करके माशाल्लाह। तो शिहाब भाई आपका भी यहाँ पे आने वाला दिन में अभी हज का बाद में आप कितना इधर स्टे करने के लिए सोच रहे हैं? मैं मदीना में दिल इधर रख का मैं इधर मदीना में जाने के लिए मैं इंशाल्लाह हज का बाद भी मदीना मदीना में थोड़ा दिन स्टे करने का प्लान है इंशाल्लाह। वो दिमाग में है बस दिल उधर है पूरा आने का टाइम भी वैसा है मदीना 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 में आपका नियत अच्छा था माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ने हर आप उधर भी आप 4 महीना तक स्टे किया ना बॉर्डर में वो भी आपके लिए थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस पीरियड था कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम वो भी वो मिस आप खाने का प्रॉब्लम भी था पहले साउथ इंडियन खाना के बिना नहीं खा सकता नहीं खा सकता है तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज सीखने का भी चांस मिला माशाल्लाह। वो मतलब ये अल्लाह की तरफ से आपको एक थोड़ा सा सपोर्टिंग चांस था। अल्लाह जानता है हमसे बेहतर हमारे लिए क्या है हमारा नियत अल्लाह जानता है बिल्कुल समझते एक क्या है पहली बार देखा एक आदमी पैदल चल के मक्का गया लोगों पहली बार न्यूज आने का टाइम सबको दिल में क्या ये क्या है ऐसा होता है क्या ऐसा कैसा हो सकता है जनरेशन में ऐसा करते फ्लाइट है 4 घंटा पैसा भी है क्यों श्याम भाई ऐसा नहीं ऐसा अभी दिमाग में एक ऐसा सवाल क्लिक होता है ना कि जब बिफोर 1400 ईयर्स वो पीरियड कैसा हुआ है वो टाइम में कोई ट्रैवलिंग सपोर्ट नहीं है फैसिलिटीज नहीं है तो उसी टाइम में भी पब्लिक बाय वॉक आता था कितना साल का ट्रैवलिंग कर ज्यादा आदमी लोग इंडिया से आया पाकिस्तान से इधर पैदल चल पहले आया उसी टाइम में जनरेशन में आई थिंक 80 ईयर्स 70 ईयर्स में कोई नहीं आया नहीं आया पार्टीशन का इंडियन गवर्नमेंट भी बोला मेरे को हमारा साथ ये पैदल चलने का सेक्शन किधर है सेक्शन नहीं अच्छा वो सेक्शन क्या कौन सा वीजा दिया कौन सा पेपर दिएगा एयरपोर्ट देगा सऊदी गवर्नमेंट भी एंटर करने का टाइम वो बोला
पैदल चलने का पिक्चर नहीं है मेरे पासपोर्ट में, एक कार का पिक्चर है। हां बाय एयर बाय सी और बाय कार क्या कहते हैं सही बात। और भी नाम बोर्ड है ना, किलोमीटर का बोर्ड देखने का टाइम, कार 60 स्पीड, 120 स्पीड, लोरी बड़ा गाड़ी 60-80 स्पीड में, पैदल चलने का स्पीड भी नहीं है। बिल्कुल वो पहली है इस तरह में, अल्लाह का शुक्र है इंशाल्लाह। ओके सर थैंक यू।